आजादी के 75 साल बाद भी सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई नागरिकों को। खनियाधाना के वार्ड क्रमांक 8 के नीमतलैया क्षेत्र के निवासी नारके जीवन जीने के लिए मजबूर। लगातार आला अधिकारियों के सामने समस्या लेकर पहुंच रहे ग्रामीण, लेकिन नहीं हो रही सुनवाई। खनियाधाना के वार्ड क्रमांक 8 के नीमतलैया क्षेत्र में निवासरत करीब 50 परिवार नरके जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारा देकर केंद्र और राज्य में बैठी सरकार का कोई भी नुमाइंदा इन गरीब परिवारों की सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव के समय वोट पाने के लिए क्षेत्र में रोज चक्कर लगाते हैं और चुनाव खत्म होते ही यहां के निवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। नीमतलैया क्षेत्र में निवासरत इन परिवारों को नगर परिषद खनियाधाना के द्वारा मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान नहीं की जा सकी। सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं इन परिवारों को नहीं मिल सकी। इसकी वजह से इस वार्ड में कई जगह जल भराव बना रहता है। इसमें कई प्रकार के जहरीले कीट पैदा होते हैं और यहाँ निवासरत परिवारों को बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। अपनी समस्याओं को लेकर ये परिवार कई बार आला अधिकारियों तक और जनप्रतिनिधियों तक अपनी दरखास्त लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी इनकी समस्या सुनने तैयार नहीं है। इसकी वजह से नीमतलैया क्षेत्र के निवासी आधुनिक भारत में भी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। ये आपके यहाँ पे जो रोड नहीं डली है और पानी का भराव है, इसकी वजह से आपको क्या क्या समस्याएं आती है? कि पानी खिलाने जाते ही सुन नहीं कर पा रही, चक्की चमची है कि वो बच्चा स्कूल जाते हैं सुन ही बच्चा नहीं कर पा रही, वो बच्चा गिर गिर पड़ते ही चक्की चाकी वजह से। तो इसकी कहीं पे आपने शिकायतें नहीं की है? करी है नगर पालिका पे, करी तहसील में करी, कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। नहीं तो, और अगर अभी भी अगर सुनवाई नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे फिर? अब क्या करेंगे, कुछ वोट नहीं डालेंगे। समस्या मैंने आने जाने में बहुत दिक्कत है, पानी का भराव है पूरी रफ्ता में, और कम से कम 10 बार 81 लगा चुके हैं, ना वो सुनते हैं ना, और SDM साहब से भी शिकायत है ना, वो उन्होंने एक बार अभी आए थे 8-10 दिन पहले, तो वो यहाँ जानकारी लेके और चले गए यहाँ से। कितनी लंबी साहब कोई नहीं सुनता है, नगर पालिका से कह लई, सबसे कह लई, और तहसीलदार साहब से कह लई, सब मौका पर बताते हैं, कोई नहीं आता है साहब यहाँ से, किसी कीचड़ में बल बच्चे खच के आते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, कहीं नहीं जा पाते हैं। तो ये रोड कब से नहीं है यहाँ पर? ये कम से कम 2 साल हो गई, पर साल कई थी हमने यहाँ भी क्या, पर साल भी शिकायत करी थी, पर साल नहीं, कोई नहीं सुनी, आसामी नहीं सुन रहा कोई। तो ये पहले रोड यहाँ पर डली थी कि है ही नहीं? पहले नहीं, पहले रेडीमेड डली थी, थोड़ी थोड़ी डली थी साहब। नीम जलावर्ण लाग गई थी, नीम तलिया पाइपलाइन अभी नहीं है, वहाँ पर हेडपम्प से पानी प्रदाय किया जा रहा है, क्योंकि सड़क बनी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत तृतीय चरण की सड़क बनाए जाने की कार्रवाई प्रचलित है, जी जी। क्या है कि सर, रोड ना होने की वजह से वहाँ पे बहुत जल भराव है और मच्छरों वगैरह का बहुत प्रकोप है, जहाँ से बीमारियाँ फैल रही हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा नगर परिषद के द्वारा सफाई अभियान भी चलाया जा सकता है वहाँ पे। जल भराव की स्थिति में तत्काल जल निकासी की जाती है, व्यवस्था की जाती है, कीटनाशक दवाओं पर छिड़काव किया जाता है समय समय पर,